सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे। ये कैसे हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलीग्राम स्टूडियोज, मैं श्रुति और आज आपके लिए लाई हूँ मिस्टर इंडिया 2 की कहानी। दोस्तों ये कहानी एक अरुण नाम के लड़के की है। अरुण मुंबई में एक लोकल जर्नलिस्ट है और वो एक किराए के मकान में रहता है। उसके मकान मालिक ना हमेशा उससे परेशान रहते हैं क्योंकि वो कभी भी रेंट टाइम पर नहीं देता, और तो और वो देर रात से घर आया करता है और कभी कभी तो काम के सिलसिले में पूरी पूरी रात ही बाहर रहता है। उसके मकान मालिक की बेटी सीमा उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उन दोनों के बीच ना हमेशा किसी बात को लेकर ना नोक झोंक चलती ही रहती है। दोस्तों आपको बता दें कि एक दिन क्या होता है कि अरुण सुबह सुबह बड़ी जल्दी में कहीं जा रहा होता है और वो अपने रूम को लॉक करना भूल जाता है। तभी सीमा वहां से गुजर रही होती है और वो देखती है कि उसका रूम खुला हुआ है। वो उसे बंद करने के लिए जाती ही है कि उसे जमीन पर गिरा एक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जिस पर अरुण की सारी डिटेल्स लिखी होती है और ये लिखा होता है कि वो एक स्पाई है और इंडियन रॉय एजेंसी के लिए काम करता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सब पढ़ के सीमा के होश उड़ जाते हैं। तभी अरुण अपना कुछ सामान लेने के लिए वापस लौट रहा होता है और सीमा को वहां देखकर हैरान हो जाता है। सीमा के पूछने पर वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि वो मुंबई में एक सीक्रेट मिशन के लिए आया हुआ है। सीमा उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर पाती है। आगे आपको इस कहानी में दोस्तों बताते चलें कि अरुण उसे बताता है कि उसका अगला टास्क मुंबई में होने वाले आतंकी हमले को रोकना है और उसे ऑर्डर दिया गया है कि मुंबई में आतंकवादियों की जो मीटिंग होने वाली है ना वो उसकी इंफॉर्मेशन यानी सारी की सारी सूचनाएं रॉ को दे दे। आपको बता दें दोस्तों, लेकिन एक और सच है जो अरुण किसी को भी नहीं बताता कि उसके पास एक लॉकेट है जो उसे उसके पापा ने दिया था जिसे पहनने पर वो इनविजिबल हो जाता है यानी गायब हो जाता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी आवाज आती है। अगले दिन जब अरुण अपने सीक्रेट मिशन पर निकलता है ना तो वो उस लॉकेट की मदद से गायब हो जाता है और आतंकवादियों की सारी इंफॉर्मेशन ले आता है और रॉ को हैंडओवर कर देता है। दोस्तों आपको बताते चलें कि रॉ न्यूज एजेंसी को इन्फॉर्म कर देता है कि उन्होंने आतंकियों की प्लानिंग डिकोड कर ली है और किसी तरह न्यूज एजेंसी वालों को मीटिंग का वीडियो मिल जाता है और पूरी की पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि कोई आदमी ऐसा है जो इनविजिबल होकर वहां मौजूद है और उसी की वजह से रॉ को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन उस वीडियो में अरुण का फेस नहीं दिखता है। दोस्तों आपको बताते चलें कि पूरे इंडिया में हर तरफ उस इनविजिबल मैन की चर्चा हो रही होती है, लोग उसे मिस्टर इंडिया के नाम से बुलाने लगते हैं। ये सब देखकर अरुण बिना किसी को बताए शहर छोड़कर चला जाता है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे जानें क्योंकि वो जानता है कि अगर लोगों को उसके लॉकेट के बारे में पता चला ना तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक होगा और वो उससे ले लिया जाएगा जो कि उसके पापा की आखिरी निशानी थी। इस तरह अरुण किसी को भी दोबारा नहीं देखता। सीमा समझ जाती है कि अरुण ही मिस्टर इंडिया है पर वो किसी को भी नहीं बताती। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन सीमा रॉय एजेंसी में फोन लगाती है और पूछने पर एक ऑफिसर कहता है कि अरुण सर तो 10 साल पहले ही मर चुके हैं और उन्होंने रॉय एजेंसी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। ये सब सुनके सीमा के होश उड़ जाते हैं और वो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पाती। उसे लगता है कि वो एक कहानी सुन रही है जिसका अंत वास्तविक दुनिया से बिल्कुल परे है और इस तरह सीमा कभी नहीं समझ पाती कि अरुण था कौन, कहां से आया था, कहां चला गया और उसने अपनी असलियत सबसे क्यों छुपाई। आपको क्या लगता है दोस्तों, अरुण कौन था, मिस्टर इंडिया या फिर कुछ और?
ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही दोस्तों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठा लीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ना पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।